आज मैं आपको बताने जा रहे हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च। इसका नाम है गैस वेल्डिंग टॉर्च। इसका दूसरा नाम है गैस वेल्डिंग बोलो पाइप भी कह सकते हैं। ऐसे हम इसका नाम किताबी भाषा में गैस वेल्डिंग टॉर्च और बोलो पाइप भी कह सकते हैं इसको। गैस वेल्डिंग बोलो पाइप हिंदी में इसको कहते हैं फुकनी। निमी पैटर्न में है, इसका नाम फुकनी। यह है निमी किताब में दिया हुआ रहता है फुकनी। तो मैं आपको बताने जा रहे हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक लाल वेल्डर इंस्ट्रक्टर परिजात आईटीआई जम्मू। तो आइए मैं आपको बताते हैं गैस वेल्डिंग टॉर्च के बारे में। ये आइए, ये सबसे पहले यहाँ है ऑक्सीजन होज कनेक्टेड। जो हम ऑक्सीजन वेल ऑक्सीजन सिलेंडर से जो आता है होज पाइप, ये यहाँ कॉन्टैक्ट कनेक्ट होता है और एसी ट्रेन का यहाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम, कम कंट्रोल वॉल्यूम है, इसको हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है बंद भी कर सकते हैं, कम बेसी भी कर सकते हैं। यह है एसिटिलिन कंट्रोल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आइए, इसके आगे हेड है पकड़ने के लिए। ये इसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये है मिक्सिंग चैम्बर। जो हम एसिटिलिन और ऑक्सीजन आके यहाँ पे मिक्स होता है और यहाँ आके दोनों मिल जाता है, यहाँ पे फ्लेम बनता है। तो ये है मिक्सिंग चैम्बर। ये नेक पाइप जिसको हम कहते हैं नोजल, ये है नेक पाइप। ये आग या ओरिफाइस जहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ पे ये छेद रहता है, यहाँ पे एक हल्का सा छेद रहता है, वो है उसका नाम है ओरिफाइस। ओरिफाइस तो ये जो बेंड रहता है, ये जो बेंड है, ये और ये 120 डिग्री पे बेंड रहता है। और इसके नेक्स्ट सैटरडे को बताए थे पहले गैस कटिंग के बारे में, वो सीधा 90 पे बेंड रहता है। ये जो उसका नोजल रहता है सीधे 90 पे बेंड रहता है, और गैस वेल्डिंग टॉर्च में 120 पे बेंड रहता है। तो मैं आपको ये अंतर दिलाना चाहता हूँ, गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग टॉर्च में बहुत अंतर है। उसमें ओरिफाइस छेद छः पाँच ही रहते हैं और इसमें सिर्फ एक रहते हैं। ये वो 90 पे बेंड रहता है, ये 120 पे बेंड रहता है। उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लीवर रहता है, इसमें कोई भी लीवर नहीं रहता है। तो मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट पूरे दिन।